Hello everyone, how are you? Now today I am going to teach you about the world of animals. आज हम लोग पढ़ेंगे जानवरों की दुनिया. Okay children, so listen carefully and try to understand about the worlds of animals. There are many animals of different size and shapes in the world. हम अपने चारों ओर में बहुत ही विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं जिनके साइज और उनके शेप्स अलग अलग होते हैं. सम आर टू लेग एंड सम हैव फोर लेग्स. कुछ जानवरों के पास बच्चों दो पैर होते हैं और कुछ के पास चार होते हैं. एंड सम हैव मोर देन फोर लेग्स. और किसी जानवरों के पास चार पैर होते हैं. ठीक है. वी कैन सी बिग एनिमल लाइक एलिफेंट. और हम अपने चारों ओर बड़े बड़े जानवरों को देखते हैं लाइक एलिफेंट, हाथी, लायन, शेर, जिराफ एक्सेट्रा इन द जू. इन सब जानवरों को बच्चों हम लोग कहाँ देखते हैं? जू में देखते हैं, चिड़ियाघर में देखते हैं. वेयर एज स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स को एक्सेट्रा. और कुछ जानवर होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, जो होते हैं चूहे, मेंढक एक्सेट्रा कैन बी सीन इन आवर सराउंडिंग. इन सब जानवरों को हम अपने चारों ओर देखते हैं. ठीक है. कंगारू, एलिफेंट, लिपर्ड ये हमारे चारों ओर हम नहीं देखते. इन जानवरों को हम चारों ओर नहीं देखते. इन जानवरों को हम बच्चों जू में देखते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे अदर एनिमल्स. और भी जानवर होते हैं बच्चों, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे. पहला है बर्ड. बर्ड भी एनिमल्स में आते हैं. बर्ड्स हैव टू लेग्स एंड टू विंग्स. चिड़ियों के पास भी दो पैर होते हैं और दो पंख. विंग्स मींस पंख होते हैं. देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. और ये जो विंग्स होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं. सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एक्सेट्रा. कुछ कुछ चिड़िया होते हैं जैसे पेंगुइन हो गए और ऑस्ट्रिच हो गए, वो उड़ नहीं सकते. ठीक है. वो उड़ नहीं सकते. दे कैन नॉट फ्लाई. वो उड़ नहीं सकते बिकॉज दे आर टू हैवी टू फ्लाई. क्योंकि वो बच्चों शरीर में भारी होते हैं इसलिए वो उड़ नहीं सकते हैं. दे कैन ओनली वॉक और रन. वो केवल चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं. ठीक है. सम बर्ड्स लाइक स्वैन हैव बोथ फीट टू स्विम. और कुछ बर्ड्स होते हैं जो सिर्फ तैरते हैं. ठीक है. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, देयरफॉर दे ईट विद देयर बीक. चिड़ियों के पास दांत नहीं होते हैं. ठीक है. उनके पास चोंच होती है बीक जिसे वो खाना खाते हैं. ठीक है बच्चों, आगे समझ लें. ओके. फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, स्वैन, ऑस्ट्रिच. ओके. अब है आपका इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स भी एनिमल्स में आते हैं. मींस कीड़े मकोड़े. इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स विच हैव सिक्स लेग्स एंड सम इंसेक्ट मे ऑल्सो हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. उनके पास छह पैर होते हैं. दे हैव सिक्स लेग्स. सम इंसेक्ट मे ऑल्सो हैव विंग्स. परंतु कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके पास पंख भी होते हैं जिसकी मदद से वो भी उड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉकरोच, बटरफ्लाई, मॉस्किटो. इनके पास विंग्स होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? उड़ते हैं. तो आज हमने बच्चों देखा कि हमारे पास हम जानवर जो होते हैं, हम किस प्रकार के जानवरों को देखते हैं. अपने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमको कई प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं. कुछ जानवरों को हम जू में देखते हैं, कुछ जानवरों को हम अपने आसपास भी देखते हैं. तो आज का चैप्टर यही था, आज का टॉपिक था जो मैंने अभी आपको बताया, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल. आप लोग इस एनिमल्स के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे अगर आप इसको टेलीविजन में भी आप देखते हो. बच्चों आपको विभिन्न प्रकार के जानवर देखने को मिलते हैं. आप किताबों के द्वारा पढ़ते हो, जानकारी प्राप्त करते हो कि हमारे चारों कितने प्रकार के जानवर होते हैं. तो आज का मेरा टॉपिक यही था, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. ओके चिल्ड्रेन, वॉच देम एंड लर्न ऑल्सो.
Okay, thank you. Have a nice day.